नमस्कार, मैं बुशा, स्वागत है आप सभी का लोकल न्यूज 24 में। डुमरिया में अखिल भारतीय दांगी क्षत्रिय संघ की बैठक किया गया। डुमरिया अखिल भारतीय दांगी क्षत्रिय संघ डुमरिया की बैठक दांगी पुस्तकालय डुमरिया में हुई। बैठक में आगामी 26 सितंबर दिन रविवार को होने वाली राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय महासचिव और राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष के चुनाव में अधिकाधिक संख्या में भाग लेने पर जोर दिया गया। बैठक की अध्यक्षता करते हुए मिथिलेश सिंह दांगी ने कहा कि लोकतंत्र के महापर्व में अपना दांगी क्षत्रिय समाज में नेता चुनना है। यह चुनाव पिछले 15 सालों से नहीं हुआ था। अब जबकि मतदान केंद्र सत्येंद्र सिंह कॉलेज बांके बाजार में है, तब मतदान करना आसान हो गया। श्री दांगी ने सभी कार्यकर्ताओं से कहा कि एक एक मतदाता तक पहुंचकर उन्हें वोट देने के लिए प्रेरित करें। बैठक में प्रयाग दांगी, कुलेंद्र प्रसाद दांगी, राजीव दांगी, अनिल कुमार दांगी, रामजीवन दांगी, रवि रंजन दांगी के अलावा अन्य दांगी परिवार उपस्थित थे। अखिल भारतीय दांगी क्षत्रिय संघ का राष्ट्रीय कमेटी का चुनाव 26 तारीख को होने जा रहा है, ये 26 सितंबर को। इसमें अधिक से अधिक संख्या में हम लोग चलेंगे और उसमें मतदान में हिस्सा लेंगे। ये 15 वर्षों के बाद मौका मिल रहा है कि राष्ट्रीय कमेटी का चुनाव, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय महासचिव, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष। अब मतदान केंद्र हम लोग ने नज़दीक में बनाया है सत्येंद्र सिंह कॉलेज बांके बाजार में, जहां पर 6 प्रखंडों का मतदाता हिस्सा लेंगे। डुमरिया, इमामगंज, बांके बाजार, सिरघाटी, आमस और गुरुआ। तो हम लोग भारी संख्या में चलेंगे, गांव-गांव में जाएंगे, मतदाता को जगाने का काम करेंगे कि आप लोग चलिए मतदान में हिस्सा लेंगे। जो दांगी परिवार आजीवन सदस्य बन गए हैं, ये चुनाव मतदान में हिस्सा ले सकते हैं, अपने राष्ट्रीय कमेटी का चुनाव में अपना हिस्सेदारी दे सकते हैं। इतना हम लोग काम करेंगे वहाँ पर मतदाताओं को।